कार्ड तो फाइनली बांट दिया सबको। एक सेकंड, ये तो नेहा लग रही है ना, चलो इसे फिर लेते कॉलेज फ्रेंड। हां बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बस ये बच्चा, बच्चा कहीं लग रहा मुझे, तो शादीशुदा तो है, फिर मुझे लेता है। इतनी गरीब होगी क्या ये? बेटा एक काम करो, जाओ घर से पानी लेके आ जाओ, प्यास लग रही होगी ना। ठीक है जल्दी आना और खाना खा के आना। ओ हेलो, क्यों नहीं आ आ रही हूं। ओ गरीबों की मुखिया, इधर आ। हेलो कैसी है? दूर खड़ी हो, पहले मेरे से चिपकने की जरूरत नहीं है। हाथ लगा दिया। अरे अब ऐसे क्यों कर रही हो, धक्का क्यों मार रही हो? आज इतने टाइम बाद मिले, मन तो कर रहा है तुम्हें गले लगा लूं टाइट से। अबे ओ अपने झुग्गी झोपड़ी वाले के लगाइयो गले। ये कौन है? मेट माय फियांसे, जिससे मेरी शादी होने वाली है। और हम, मैं तो बस तुझे शादी में इनवाइट करने आई थी, मुझे नहीं पता था तू यहाँ रहती है, वरना एक कार्ड एक्स्ट्रा ही लेके आती। 50,000 का एक कार्ड है, तुझे पता है? पागल हो गया बाबू, इसको बुलाओगे क्या शादी में? अरे हाँ? बेइज्जती करवाओगे क्या मेरी? ऐसे क्यों बोल रहे, हमारे ससुराल वाले सुन लेंगे ऐसे। अरे एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना थोड़ी शादी में गरीब अलाउड नहीं है, इसलिए। गरीब कोई बात नहीं ना, मेरी फ्रेंड है, जरा देखे तो कि मैं कितने अमीर घर में शादी कर रही हूँ, पता तो चलना चाहिए। इसी को सोच रही होगी कि 50,000 का एक शादी का कार्ड, बेचारी ने मुझे 10 रुपए का कार्ड भेजा था। अब पता है मैंने इसके यहाँ सगुन का लिफाफा कितने का भेजा था? 5,000 रुपए का। बस बाबू यार, इसको प्लाट व्लाट दिला देते, कहीं झुग्गी में रह रही है, कम से कम प्लाट में तो रह लेती है अपने। हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा है, भी है क्या कोई तेरी बेइज्जती करूंगा मैं? हाँ, गरीबों की इज्जत भी होती का, हम तो कमा के खा रहे हैं, हम नहीं गए तुमसे मिलने, तुम हमसे मिलने आयो, हमारी बेइज्जती करने आयो। बेइज्जती? हम गरीब नहीं है, हमारे तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, देखो। हाँ तू तो अंबानी के वहाँ काम करती है ना, गरीब नहीं है। और वैसे भी चल कोई नहीं, और पता है यहाँ पे ना इसको खाने के लिए भी नहीं मिलता, पता नहीं 10 दिन या 15 दिन भूखे रहना पड़ता होगा। हमारे यहाँ आएगी, एक काम करना, अपने पूरे खानदान को उठा के ले आओ। पूरा खानदान अगर 10 दिन का खाना उठा भी लाएगा ना, तो हमारे यहाँ खाना इतना कम नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ तो, क्या बेइज्जती करनी है? हिम्मत कैसे मेरे को हाथ लगाने की, अपनी औकात में रहे, समझ में आई? एक बात बता, तू इस किचड़ में कर क्या रही थी? अरे पॉटी साफ कर रही होगी अपने बेटे की। अरे शाम को रोटी बनानी है तो लकड़ियाँ तोड़ रहे थे उसके लिए हम। अबे नाले में कौन सी लकड़ियाँ होती है? नाले में नहीं, यही लकड़ियों से तो रोटी बनती है हमारे यहाँ। इतनी चिंदी चोरी और इतनी गरीबी वाले दिन आ गए है ना, किसके एक सिलेंडर और गैस है, इसलिए तो ये मट्टी के चूल्हे पे बना रहे। मोदी जी ने यही रखा है, लेकिन हम ना उसे बहुत कम यूज करते हैं। जब रिश्तेदार आते हैं ना हमारे घर, तब हम खाना बनाते हैं, जैसे बारिश होती है तब खाना बनाते हैं, वैसे तो चूल्हे की रोटी खाते हैं सब। अच्छा, अब तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा वातावरण कितना पॉल्यूटेड हो रहा है, पता है तुझे? तुम शर्म नहीं है? गवर्नमेंट पहले तुम्हें कोई चीज प्रोवाइड नहीं कराती, अगर खराब ही दिया तुम लोगों की औकात से बाहर है, तो उस चीज की कदर करो ना, यूज करो। सिलेंडर थोड़ा महंगा भरता है ना, इसलिए कहा था ना कितनी गरीब है। मैं पॉपुलेशन की बात कर रही है, वो तुम्हारे सिलेंडर की नहीं, जो तुम ये करते हो ना, 8-8, 9-9 बच्चे पैदा, इसकी बोल रही है वो। एक ही तो लड़का है हमारा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, शादी हुई है ना तुम्हारी, इसलिए भी एक लड़का है। 10 साल ही तो हुए शादी को। 10 साल? अरे बाल विवाह हो गया होगा, और तुम्हें तो पता है ना गरीबों का क्या होता है, बाल विवाह करा देते हैं, 18 की उम्र में आते आते बेचारे नन्हे मुल्ले खेलने लगते हैं ना। और दूसरी चीज है, इसने बोला था कि गैस कितनी महंगी हो गई है, और पता है इससे 1,000-1,200 रुपए नहीं निकलते हैं, और हम पता है तुझे हमारे ना ऐसे 5-5 सिलेंडर यूं ही पड़े रहते हैं। तुम जैसे को क्या मैं बता रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों की औकात से बाहर है। वैसे तुझे पता है मेरा होने वाला पति कितना कमाता महीने का? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख? इतना मत फेंको, हमसे ना लपेटे नहीं जा रहे। अपनी तरह समझाए क्या, कि कॉलेज टाइम में बोलती थी ये करूंगी वो करूंगी, और गरीबों में शादी करके अपनी जिंदगी बिता रही है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे मेरा फ्यूचर अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ सिक्योर है, और मैं ऐसी तेरी तरह डम तो नहीं हूँ कि झुग्गी झोपड़ी वाले से शादी करूंगी। क्या कह रही है, फेंक रहे हैं बाबू? ये तो हल्के में ले रही है, रुक। दिख रहे हैं इतना पैसा तूने तेरे सपनों में भी नहीं देखा होगा, जितना मैं जेब में लेके घूमता हूँ। हमने कभी नहीं देखा इतना पैसा। अपने जोड़े को ना निछावर करके मारो बाबू, तुम्हें दे देती हूँ, काम आएगा है ना। लेकिन इतने सारे पैसे, लालची नहीं हम, रखे अपने तुम्हारी औकात से बाहर का दिया, पूरी जिंदगी भी मेहनत करोगे ना तो इतना नहीं कमा पाओगे। ये तो हमने तुम्हें यूं दे दिया। एक काम करो, ये सोच लो कि हमने गरीबों में दान कर दिया हमारी शादी की खुशी में। अंकिता मुझे तो लगा तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, मुझे समझोगी, लेकिन मैं समझ तो रही है, जब ही तो पैसे दिए इतने। इसे समझना नहीं बोलते, इसे बेइज्जती करना बोलते हैं, और मैं गरीब जरूर हूँ, लालची नहीं,
ये पैसे आप अपने पास रखिए। और अंकिता तुम वो दिन भूल गई क्या? तुम्हें याद है हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे और तुम्हें लंच बॉक्स चोरी करके खाती थी। बिल्कुल नहीं भूली हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि भरे कॉलेज में तुमने मुझे कैसे बदनाम करा था। क्या बोला था तुमने कि मैं चीटिंग कर रही हूँ और मेरा 3 साल इसकी वजह से वेस्ट हुआ, रेस्टिगेट कर दिया गया था मुझे। हम झूठ नहीं बोले थे क्या? हम झूठ नहीं बोले थे। बाबू इसको पैसे की दे रहे हो, इसके तो थप्पड़ मारो ना, इससे बदला लो अभी। चीटिंग नहीं की मैंने, तू यही चाहती थी ना कि मैं इतनी अच्छी खासी हूँ पढ़ने में, हर चीज है मेरे पास, मुझे बिना मांगे भगवान की सब कुछ देन मिल रखी है। इसलिए पता है ये शुरू से ना मेरे से इतना चिढ़ती थी ना जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए इसने मेरे करियर के साथ खिलवाड़ किया। अरे इतनी सी बात थी, छुपा सकती थी ये, लेकिन नहीं, इसको तो चुल थी, बोलना था इसे, है ना। और तूने अपनी जिंदगी और इसने अपनी जिंदगी संवार ली, पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन क्या कर रही है, आज भी गरीबों वाली जिंदगी जी रही है। क्यों की इतनी पढ़ाई, क्यों किया इतना मेहनत, क्यों पैसे बर्बाद किए अपने माँ बाप के? और पता है क्या, इसलिए पैसे बर्बाद करे, पढ़ाई के चक्कर में इसने अपने बाप को भी खा लिया। ऐसा मत बोलिए, हम अपने पापा के लिए ही शादी करे हैं, इसलिए आज ये सब करना पड़ा। तभी और हम बहुत खुश हैं। तभी तो आज तो मेरा बाप इस दुनिया में ही नहीं है, खा गई ना मन उसका है कि। और देखना अब धीरे धीरे करके अपने ससुराल वालों को भी खा जाएगी। मुझे एक्चुअल में ना गरीबों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके पास तीरे जैसा काला साया, बाय गॉड भगवान बचाए, मेरी जिंदगी तो सिक्योर होगी तुझसे अलग होके। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे तो तरस आ रहा है कि तेरे ससुराल वाले बेचारे एक डायन को ले आए। पता है डायन भी बहुत अच्छी होती है, साथ घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये वो काला साया है कि जो अपने घर पे ही वार करती है ना। ऐसा नहीं है, तुम बहुत गलत बोल रही हो, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही अंकिता हो जो बचपन में हमारे साथ रहती थी। तो हाँ वही अंकिता, लेकिन तुझे मेरे बचपन से आदत पता है, मैं जैसे के साथ तैसी हूँ। लग रही है तूने मेरे साथ बुरा किया है ना, तो मैं तेरे साथ उतना बुरा कर सकती हूँ, उतना बुरा कि तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। अभी तक तो मैं तेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, समझ गई। एक काम करती हूँ ना, इसकी जो झुग्गी झोपड़ी है, अब मैं मुद्दे पे आती सीधा। इसने मेरे पैसे देके ना मेरी इंसल्ट किया, तो अब ये जो इसकी जुग्गी है ना बाबू, आप इस पे आज के आज क्रेन चलवाओगे? नहीं नहीं बाबू, आप कहो तो इस पे भी क्रेन चलवा दूं मैं। ऐसा मत करिए, अभी रुक। अरे सर ऐसा मत करिए। 2 लाख का फोन है, हाथ लगा रही है, मारवा मुंह के ऊपर। ऐसा मत करिए, देखिए ये हमारा घर है, ये रोजी रोटी है, हम इधर ही रहते हैं और कोई घर भी नहीं है। देखो ऐसा मत करो, मुझे ना तरस आ रहा है तेरे पे। अच्छा एहसान किया, मैं तेरी तरह इतनी निर्दय नहीं हूँ और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की मेरी फितरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, मैं चाहती ना अभी के अभी खड़े खड़े तुझे और ये पूरी चुग्गी वाली जो प्रॉपर्टी है अभी खरीद सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे ना इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ एक बात, मैंने ना तुझे उस दिन इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि सब कोई मेरे खिलाफ थे। और हाँ मैंने ना उसी दिन मन में ठान ली थी कि तेरे से इतना गंदा बदला लूंगी ना कि तू खुद को भी कोसेगी कि किससे पंगा लिया तूने। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सीरियसली कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है? और मैं ना कभी भी जिंदगी में मेरे नसीब में ना कोई भी दिन आ जाते ऐसे से तो शादी नहीं करती। अच्छी बच्चा भी तो देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि बच्चा भी खा जाएगी अपना। भाभी भाभी निकली, मेरे दोस्त है स्कूल टाइम की, ये मेरी दोस्त है, ये इसका फ्रेंड्स बेटा पानी नहीं लाया, एक दिन ने अपने बच्चे को भी खा जाएगा। मटका टूट गया, बहुत भारी नुकसान हो गया। एक काम करो बेटा, ये पैसे रख लो, इसमें 10 मटके आराम से। नहीं नहीं हम मेहमानों से पैसा नहीं लेते, कैसी शिक्षा दे रही हैं आप? क्या सिखा रही है तुम ये मेरे बच्चे को? हाँ हम गरीब जरूर है लेकिन ईमानदारी का कमा के खाना जानते हैं, समझी? और मेरे बच्चे को ये गंदी हरकतें मत सिखाओ खुद के जैसी, जो स्कूल टाइम पे तुम करती थी आज भाई मेरे बच्चे को सिखा रही हो। और हाँ बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब और नहीं सुनने वाली, कब से सुनने जा रही हूँ। मेरी दोस्त है बोल रही है चल कोई नहीं समझ जाएगी, लेकिन नहीं यार बचपन से तुम्हें झेल रही हो और तुम्हें यही सब बोलना था तो आई क्यों थी मेरे पास? मैंने तो नहीं बोला। अबे आओ अपना रेडियो बंद कर, आप तो चुप रहिए, आप जानती क्या इनके बारे में? हाँ अंकिता तुम मुझे मनहूस बोल रही थी, क्यों? मेरे पापा की डेथ हो गई इसलिए, तुम्हें पता है मैंने शादी क्यों की? मेरे पापा को ब्लड कैंसर था, वो चाहते थे कि बड़ी बेटी है पहले मैं उसकी शादी कर दूँ, उनका एक ही सपना था कि वो मेरी शादी देख ले, इसलिए मैंने मजबूरी में आके शादी की। उस टाइम में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 18 साल की थी, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बोला, पापा की हाँ में हाँ मिला दी और मेरी शादी के तुरंत बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो मैं मनहूस हो गई क्या अंकिता? तुम्हारी शादी हो रही है, मानो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति की डेथ हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, तुम्हारे पापा की डेथ हो जाए, तो क्या तुम इसमें मनहूस हो जाओगी? बीमारी भी तो हो सकती है ना, और कुछ भी हो सकता है,
लेकिन जो भी तुमने बोला ना मुझे बहुत। अरे रहने दीजिए भाभी, आप भी किसके सामने सफाई दे रही हैं? और एक बात बता दें, कोई अमृत पीकर नहीं आता इस धरती पर, सब इंसान ही होते हैं और इंसान जब आता है तो एक दिन उसको जाना भी होता है। भाभी के पापा को ब्लड कैंसर था, इसलिए उनकी जल्दी शादी हो गई और आज उनके पास बेटा भी है। तो इस चीज को लेकर आप ना ही कुछ करें तो ही अच्छा है। और एक बात, कोई भी अमीर और गरीब पेट से नहीं होता, बाहर आके बनता है और जैसी जिसकी किस्मत। तुम अमीरी में खुश हो तो अपनी अमीरी अपने पास रखो ना, दूसरों को नीचा क्यों दिखाती हो। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, माना कि हमारे पास बड़ा घर नहीं है लेकिन इज्जतदार लोग हैं, सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं। नमस्ते। चलो आई बड़ी भाभी, काम कर भी जाना है। हाँ चलो, पहले खाना खा लेते हैं।